नमस्कार दोस्तों, आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ एक न्यू फ़ोन जो है आईफोन 15 प्रो। ये देखिए, रात को मैंने ये ख़रीदा था और इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वहीं शॉप पे कर ली एक्टिवेट करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि ये जितने का फ़ोन मैं बता रहा हूँ उतने का मैंने कैसे लिया, और प्लस दोस्तों जो कौन सा कलर है, क्या क्या है इसमें, हमें फ़ीचर्स मिलते हैं, तो सब कुछ बताऊँगा दोस्तों वीडियो में। चलिए पहले बॉक्स ओपन करते हैं। देख सकते हो इधर आईफोन लिखा हुआ है, आईफोन एप्पल के लोगो बने हुए हैं, और आप दोस्तों कलर से ही ऊपर से पहचान चुके होंगे कि मेरे पास कौन सा कलर है। मैं आपको बैग में दिखाऊं तो देखिए, ये आपको यहाँ चाइनीज़ भाषा में कुछ लिख रहा होगा। अब जैसा क्यों लिख रहा है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा, वैसे काफ़ी लोग समझ चुके होंगे, फिर भी मैं आपको आगे दिखाऊँगा। दोस्तों देखिए, ये मेरे पास टाइटेनियम ग्रे कलर जिसकी डाटा केबल है, और इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर कुछ ये स्टिकर एप्पल का, हाँ दोस्तों ये सिम इजेक्टर पिन, और बाकी ये कुछ एक पेपर है जिस पे आप देख सकते हो कुछ चाइना में कुछ लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, ये चाइना भाषा नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये है दोस्तों सेट जो आपको इंडिया के बाहर का मिलता है, जैसे कि ग्लोबल जो फ़ोन होते हैं ये वही फ़ोन है। ग्लोबल मैंने ग्लोबल फ़ोन लिया था न्यू कल, क्योंकि दोस्तों आप कहीं से ही फ़ोन ले लो, वारंटी सब में बराबर मिलती है, और जो ग्लोबल फ़ोन होते हैं उनमें टैक्स कम लग के आता है, तो मैंने ग्लोबल परचेस किया था। इस वजह से ये मुझे और सस्ता मिला, बट इतना सस्ता कैसे मिला जी मैं आपको आगे बता दूँगा जी मैं दोस्तों आपको आगे बता दूँगा इतना सस्ता मुझे कैसे मिला। दोस्तों देखिए, इसके ऊपर मैंने पीछे मैट फिनिश वाली मेमोरी लगवा ली कल रात को, और जो कैमरे के ऊपर लेंस है वो भी रात को ही मैंने लगवा लिए थे कल, जिस वजह से दोस्तों ये थोड़ा जे शाइनी डैन आ रही है कैमरे के ऊपर, क्योंकि इस पर लेंस लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। और दोस्तों आगे की साइड में मैंने इसके ऊपर ग्लास लगवा लिया था, एक्टिवेट फोन है और चालू है, मैंने अनबॉक्सिंग के लिए ऐसे पैक कर दिया था। अब इसको दोस्तों मैं ओपन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा एक्टिवेट हो चुका है, ऑन हो चुका है। देखिए, अब आउट में ले चलता हूँ मैं आपको, तो दोस्तों देखिए हमारा ये फोन, जिसमें दोस्तों जो वारंटी लिमिटेड वारंटी है वो है दोस्तों 1/4/2025 तक की, क्योंकि दोस्तों ये कल 1 तारीख थी और कल ही मैंने इसको एक्टिवेट रात को ही कर लिया था, तो इसकी वारंटी अब 2025 तक हो चुकी है अप्रैल तक। इसमें 128 GB मेमोरी मिली है मुझे, जिसमें 104 GB अवेलेबल है। और तो आपको दोस्तों बैटरी हेल्थ दिखाऊँगा आपको, बैटरी वगैरह, क्योंकि दोस्तों मुझे एंड्रॉयड का ज़्यादा शौक है, तो मैं आईफोन कम चलाता हूँ, तो इतना मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। ये देखिए बैटरी हेल्थ है इसकी नॉर्मल, और 100% बैटरी है, और आप देखोगे मैनुफैक्चर डेट है अक्टूबर 2023 की, और फर्स्ट यूज हुआ है अप्रैल 2024, यानी दोस्तों आज 2 तारीख है, और कल मैंने इसको फर्स्ट यूज किया था, और अभी तक इसको एक भी बार चार्ज नहीं किया है। आप देख सकते हो 0 काउंट दिखा रहा है चार्जिंग के लिए, क्योंकि इसमें मुझे जो बैटरी मिली थी अभी वही चल रही है, तो मैंने इसको चार्ज भी नहीं किया। तो आप देख सकते हो दोस्तों साइड में जो हमें बटन मिलता है पावर का, पीछे 3 कैमरे मिलते हैं, कैमरे कितने कितने मेगा पिक्सल के हैं दोस्तों जी मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है कैमरों की। इस साइड में दोस्तों देखिए, यह हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलते हैं, यह सिम ट्रे जिसमें आप एक सिम लगा सकते हो फिजिकल, और दोस्तों आप एक ई सिम का यूज कर सकते हो, और यह दोस्तों जो अलर्ट चला रहा था उसकी जगह पर जो बटन दिया गया है नया वाला जो प्रेस होता है ये, तो इसमें आप अलग अलग सिस्टम कर सकते हो, चाहे आप इसको साइलेंट के लिए यूज करो या किसी और सिस्टम के लिए, आप इसमें एक फीचर ऐड कर सकते हो, आप एक बार में एक ही फीचर इसमें ऐड कर पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल फीचर यूज करो, ऐसे एक प्रेस पर एक कोई और फीचर, डबल प्रेस पर कोई और फीचर, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सिस्टम यूज होता है। और दोस्तों यहाँ पे हमें जो डिस्प्ले मिलती है वो है दोस्तों 6.1 इंच की, यहाँ से यहाँ तक,
6.1 इंच की डिस्प्ले है, जो सही डिस्प्ले मतलब साइज़ सही होता है 6.1 इंच का। और जी हाँ दोस्तों, इसमें डायनामिक कटआउट जिसमें आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती हैं, जो भी आती हैं फ़ोन आता है नोटिफिकेशन का जो, तो उसमें यहीं शो हो जाता है। तो इसका काफ़ी अच्छा यूज भी है और काफ़ी लोग इससे दोस्तों परेशानी भी हो जाते हैं, क्योंकि जब वो कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो ये डिस्प्ले में शो होता है, तो ये थोड़ा लोगों को परेशान करता है। तो ये है कुछ आईफोन दोस्तों जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे इतना सस्ता कैसे मिला, तो मैं आपको बता दूँ जहाँ से मैंने इसको परचेस किया है, अपनी लोकल मार्केट से ही। तो दोस्तों मेरे पास इससे पहले था S23 Ultra, तो मैंने उसको एक्सचेंज किया, वो फ़ोन मैंने दुकान वाले को दिया और उनसे न्यू फ़ोन ख़रीदा। तो दोस्तों एक तो जी मेरा ग्लोबल, मैंने इंडियन वेरिएंट नहीं लिया क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सस्ता मिलना चाहिए इंडियन हो या ग्लोबल, क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर लोग ग्लोबल ही फ़ोन यूज़ करते हैं, जब दुबई वगैरह से लाते हैं तो ग्लोबली तो आते हैं। तो मैंने ग्लोबल फ़ोन लिया न्यू, जो कि दोस्तों मुझे इंडियन वेरिएंट से समथिंग दोस्तों करीब 23,000 रुपये सस्ता मिल गया। और पूरी वारंटी जो इंडियन वेरिएंट में मिलती है वही वारंटी मुझे इसमें मिली है एक साल की, तो 23,000 तो दोस्तों वो कम हो गए मेरे। प्लस दोस्तों मैंने एक्सचेंज में S23 Ultra दिया था अपना 2 महीने पुराना, तो इस वजह से दोस्तों मुझे सिर्फ इसके 35,000 रुपये देने पड़े। तो इस वजह से दोस्तों मैंने आपको थंबनेल में बताया कि ये मुझे 35,000 का मैंने ये फ़ोन ख़रीदा, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस करके मैंने ये 35,000 का लिया है। अब दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट के बताना कि आपको कोई सवाल है इस फ़ोन को लेके, या इस दोस्तों ये इंडियन वेरिएंट या ग्लोबल फ़ोन को लेके, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको कोई सवाल हो तो, कि आपको ग्लोबल इंडियन में कोई दिक्कत आ रही है या आपको कोई सवाल है इस तरह के कोई कन्फ्यूजन को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इसमें चार्जर नहीं आता है, जो आपको पता ही आईफोन चार्जर नहीं देता, वैसे कोई कंपनी नहीं देती और भी सैमसंग वगैरह भी नहीं देती फ्लैगशिप में, तो चार्जर दोस्तों हमने अलग से लिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों चार्जर भी मैंने इसका अलग से ख़रीदा है, वो जीरा ये देखिए 20 वाट का USB Type-C वाला पावर एडप्टर, जो ही दोस्तों मैं कल शाम को ही ख़रीदा था। अब दोस्तों मैंने इसके पैसे आपको बताऊं तो इसके मैंने कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं, क्योंकि मैंने जिनसे फ़ोन लिया था उन्होंने मुझे ये एक तरीके से गिफ्ट के तौर पे ये चार्जर मुझे उन्होंने दे दिया। और इसकी प्राइस समथिंग दोस्तों 2,000 रुपये समथिंग तो होगी, बट मुझे एक्चुअल नहीं पता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, छोटी मोटी वीडियो है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक उसे जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जी एकदम नए एक्सपीरियंस की तरह की। तो दोस्तों अगली वीडियो के लिए फिर से वेट करना, तब तक के लिए धन्यवाद।